एक तरफ है जगमोहन मीणा और उनके भाई का एक लंबा राजनीतिक करियर और उनकी पूरी साख है, दूसरी तरफ है डीसी बैरवा और उनके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है सचिन पायलट का, कौन भारी नजर आ रहा है? कुछ ऐसे हैं जिनको अपन सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे, उन्हीं मुद्दों की वजह से मुरारी जी को जिता के सेंटर में भेजना पड़ा। एक चीज मुझे जो दोसा में पहली बार सुनाई पड़ी, नाम इमरान खान, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि वो व्यक्ति बीजेपी के लिए बीजेपी की तारीफ कर रहा है। ये कोई फाउंडेशन नहीं है कि जो मुसलमान होगा वो कांग्रेस का ही होगा। कोड़ी लाल जी हैं जो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, वो हमेशा कोई भी किसी के साथ कोई भी परिस्थिति रही हो वो हमेशा खड़े रहे हैं, ये नहीं देखा कि कौन कास्ट का है क्या है, कैसी परिस्थिति रही हो वो हमेशा न्याय के लिए लड़े हैं। सचिन पायलट नहीं रहे। राजस्थान उपचुनाव की सबसे हॉट सीट दौसा, और उसी दौसा के मेन मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और एक दुकान है जिस पर कई सारे लोग बैठे हुए हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या इस दौसा विधानसभा सीट के मुद्दे हैं, क्या यहाँ की ज़रूरतें हैं और क्या माहौल है। सबसे पहले नाम बताइए सर। बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल जी, क्या माहौल यहाँ का नज़र आता है, क्योंकि दौसा में चुनाव ही चुनाव हो रहे हैं, आप भी वोट पे वोट दे रहे हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या उनका समाधान हो रहा है? जी सर, लगातार पिछली साल जब कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे दौसा में स्थिति ये थी कि आए दिन चोरी चकारी, ये काफ़ी सारी समस्याएं होती रहती थी, ये समस्याएं काफ़ी कंटिन्यू टाइम तक चलती रही थी। अब वापस से जैसे दौसा में उपचुनाव हो रहा है तो सीधी सी बात है कि बीजेपी सरकार को हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जो समस्या हम पहले झेल चुके उसका सोल्यूशन मिले हमें, और यही रीज़न है कि इस बार बीजेपी 100% बीजेपी सरकार आएगी। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार आएगी, मतलब चोरी को लेकर या फिर क्राइम को लेकर? कोई बीजेपी सरकार पिछले 10-15 साल से अपन ने देखा है, 15 साल से कंटिन्यू जो विकास हुआ है बीजेपी सरकार के राज में, मोदी राज में, तो उसके बेस पे हमें लग रहा है कि राजस्थान में जो दौसा में जो हॉट सीट है ना उस पर बीजेपी सरकार ही आएगी, और जिस हिसाब से बीजेपी सरकार ने काम किया है हम उसको देखते हैं, जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में मान लो या किसी भी क्षेत्र में मान लो, बीजेपी सरकार ने बहुत से, जैसे जो दौसा में जो मेडिकल कॉलेज की देन है हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री, उनकी देन की वजह से हमें दौसा में मेडिकल कॉलेज मिली और एजुकेशन क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है, इसी की वजह से बीजेपी सरकार का यहाँ वर्चस्व है। शर्मा जी, एक चर्चा यहाँ पर ये चल रही है कि शंकर लाल शर्मा जो है या फिर यहाँ का जो जनरल वोटर है वो थोड़ा सा नाराज़ है बीजेपी से, क्योंकि उनके जो जनरल की सीट है उसको किरोड़ी लाल मीणा ने एक तरीके से कब्जा लिया है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि जनरल सीट की वजह से हमें कुछ वो हुआ है, हम सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को, न कि शंकर लाल शर्मा। मैं ये नहीं कहता कि शर्मा की सीट पे इन्होंने SC को बिठाया, ये नहीं कह सकता। जनरल जो वोटर है वो बीजेपी केंद्र की सरकार है उसके बेस पे हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे हम। आपका क्या नाम हुआ सर? दीपक जोशी। जोशी जी, क्या लगता है यहाँ पर इस बार का समीकरण किस तरह? केंद्र में राज्य में डबल इंजन की सरकार है, दौसा की पब्लिक डबल इंजन की सरकार, आगामी 4 साल का भाजपा का शासन, इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनते ही ERCP योजना जो दौसा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उसकी घोषणा कर दी, उस पर काम चालू हो गया, तो दौसा की मेरा मानना है कि दौसा का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगा। आपको क्यों लगता है कि कौन से वो मुद्दे हैं, कौन सी वो समस्याएं हैं जो बीजेपी ने सॉल्व की है और उसकी वजह से दौसा के जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे? जैसे बीजेपी की सरकार बनते ही, भाजपा की सरकार बनते ही ERCP योजना यहाँ दौसा ज़िले में पूर्वी राजस्थान में लागू हुई, यहाँ पे बिजनेस हब बनाने का प्रयास दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के ऊपर बनाने का चल रहा है, नए रिको डेवलप करने का चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में नई कॉलेज है ना, कई फैक्ट्रियाँ इनके लिए ज़मीनें देखी जा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे आम पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? इमरान खान। खान साहब, क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। चुनावी माहौल की बात? हाँ, चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, देखो जो पहले सरकार थी उन्होंने वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन वाली कांग्रेस सरकार ने वादे तो बहुत किए हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया है, ना के बराबर काम हुआ है। और जो अब ये सरकार बनी है इसमें बहुत से काम हो चुके हैं, जैसे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बन गई, पानी की हो गई, और सब बहुत सी कई वो हुई है,
और दूसरी बात ये जो ये कैंडिडेट है जगमोहन मीणा, इसका जो भाई है करोड़ी, वो हर किसी के लिए खड़ा हो सकता है और यहाँ के लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये अभी हुआ था कुछ टाइम पहले थाना गाजी में एक कांड हुआ था, मियाँ बीबी दोनों साथ में थे और उसकी वाइफ के साथ रेप हुआ था, वीडियो वायरल कर दिया था, रेप भी हुआ था उसी वक्त। तो थाना गाजी वो खुद चले गए और वहाँ धरना दिया है, किसके लिए गया है? वो आम जनता के लिए गया है, तो ऐसे आदमी को कौन पीछे छोड़ेगा। नहीं, लेकिन एक चीज़ मुझे जो दौसा में पहली बार सुनाई पड़ी, नाम इमरान खान, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि वो व्यक्ति बीजेपी के लिए बीजेपी की तारीफ कर रहा है। तो उन्होंने काम ही ऐसा किया है तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, सरकार अच्छा काम कर रही है तो तारीफ करनी पड़ेगी। इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो मुसलमान होगा वो कांग्रेस का ही होगा, है कुछ ऐसा एक परसेप्शन कांग्रेस ने बना रखा है। किसने बना रखा है? कांग्रेस ने नहीं बना रखा है, ये उन नेताओं ने बना रखा है जो अपना घर चलाते हैं ना, उन्होंने बना वोट बैंक के लिए, उन्होंने हमें यूज कर रखा है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब एक इंसान ही तो है, मुसलमान कोई इंसान नहीं है, बिल्कुल है। फिर तो किरोड़ी लाल मीणा के जो काम है उनसे काफ़ी प्रभावित। हाँ, मैं ही नहीं, पूरा दौसा आसपास का एरिया आप कहीं भी जाके कंफर्म करना, वो बंदा किसी के भी लिए भी रोड पे बैठने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस तो ये मान के चल रही है कि दौसा के 100% जो मुस्लिम वोट है ना, वो तो कांग्रेस के, वो उनकी सोच है। गलतफहमी कहेंगे? गलतफहमी है वो उनकी। आप कभी आके तो देखो, किसी मुस्लिम एरिया में आके देखो, आज देखो कितनी गंदगी पड़ी है। यहाँ जो अपना नगर पालिका क्षेत्र है इसमें किसका बोर्ड है? कांग्रेस का बोर्ड है। आज आप पूरे दौसा में घूम के देखो कितनी गंदगी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई वो नहीं है, तो आप किसके लिए क्या करोगे, कहाँ जाओगे आप? आपका क्या नाम हुआ सर? रौनक सिंह। सिंह साहब, क्या है यहाँ का माहौल और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ के असली मुद्दे? देखिए, अभी 7 जगह उपचुनाव होने हैं, तो 7 जगह में सबसे हॉट सीट अपनी दौसा बनी हुई है और यहाँ का जो वोटर है वो सबसे जागरूक है, उसको तभी बार बार पे चुनाव पे चुनाव करवाता रहता है, चुनाव पे चुनाव करवाता है भाई, इच्छा है उसकी। और वोटर इतने जागरूक है, उसको जहाँ फ़ायदा दिखेगा, वर्तमान में आपको पता है कि उसको कहाँ फ़ायदा है, वो वहीं अपना वोट डालेगा। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुआ वहाँ पर सरकार कांग्रेस की नहीं आ रही थी, फिर भी यहाँ पर सबसे बड़े मार्जिन से कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा को जीता। एक्चुअली सेंटर के मुद्दे और राज्य के मुद्दे में बहुत फ़र्क होता है, वहाँ पे मुद्दों में कुछ अंतर आ गया था, इस वजह से उनको जिताना पड़ा। क्या लगता है आपको, क्या अंतर आ गया था? अंतर है, कुछ ऐसे हैं जिनको अपन सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे, उन्हीं मुद्दों की वजह से मुरारी जी को जिता के सेंटर में भेजना पड़ा, ठीक है ना, उसकी वजह से काफ़ी कुछ भी हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब जो MLA चुनाव हैं इसके मुद्दे अलग होते हैं, क्योंकि वोटर तो वही है, वोटर है, मन उसका अलग है, अभी मुद्दे भी अलग है और मन भी अलग है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं कि सरकार से उसको कैसे फ़ायदा होगा, तो अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है कि उसके पक्ष में वोट डालना वो ज़्यादा प्रेफर करेगा। यानी कि दौसा का फ़ायदा तभी है जब वो सरकार के साथ है। बिल्कुल यही होता है भाई, जो मान लो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट का MLA होगा तो ज़्यादा काम करा पाएगा, इसीलिए सर मान लो जो यहाँ का मतदाता है उसका बिल्कुल रुख चेंज है और देखना परिणाम भी वैसे ही आएंगे। दोनों जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं जगमोहन मीणा और DC बैरवा, उनको लेकर क्या ख्याल है आपके? कैंडिडेट से ज़्यादा अभी पार्टी को लेकर मत डलेगा, कैंडिडेट दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं लेकिन पार्टी हित में वोट जाएगा इस बार। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है सर? सर कुलदीप जयमन। कुलदीप जी, एक तरफ है जगमोहन मीणा और उनके भाई का एक लंबा राजनीतिक करियर और उनकी पूरी साख है, दूसरी तरफ है DC बैरवा और उनके साथ एक नाम जुड़ा हुआ है सचिन पायलट का, कौन भारी नज़र आ रहा है? देखो, करोड़ी लाल जी हैं तो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, वो हमेशा कोई भी किसी के साथ कोई भी परिस्थिति रही हो वो हमेशा खड़े रहे हैं, ये नहीं देखा कि कौन कास्ट का है क्या है, कैसी परिस्थिति रही हो हमेशा न्याय के लिए लड़े हैं। सचिन पायलट नहीं रहे? नहीं है, वो बात सही है आपकी, वो भी रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सबसे कनेक्टेड रहे हैं हमेशा दौसा में, तो चुनाव दौसा की बात हो रही है तो दौसा में तो बिल्कुल कनेक्टेड रहे हैं सबसे, कैसी परिस्थिति हो कुछ भी हो तो वो हमेशा तैयार। किसका ज़्यादा असर, किसका ज़्यादा जादू रहने? BJP का मतलब
क्या लगता है बीजेपी से क्या और उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि उनकी अभी 4 साल और सरकार रहने वाली है। जो समस्याएं हैं वो उनका पूर्ण करेंगे, वो तो तरीके से यही है। दौसा आपको क्या लगता है, बतौर दौसा के मतदाता आपको क्या लगता है कौन से मुद्दों पर काम किया जाना चाहिए? देखो मुद्दों पे तो कई, एक तो हॉस्पिटल में जो काफ़ी लापरवाही होती है, कई चीज़ें देखें मिली हमको। और दौसा में नगर पालिका भी थोड़ा लापरवाही चल रहा था पहले से भी, तो कई चीज़ें, कई मुद्दे हैं दौसा में जो उनको पूर्ण तरीके से। बिल्कुल, ये दौसा के मतदाता हैं जिनसे हमने इनसे जुड़ी समस्याओं पे बातचीत की, इनसे जुड़े मुद्दों को लेकर भी बातचीत की और इनका मन भी टटोलने की कोशिश की कि आखिर ये 13 तारीख को किसके पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।